हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आज यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ MKCL की तरफ से अपडेट, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी तरफ से अपडेट आई हुई है और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे CTC भी काफ़ी अच्छा ऑफर कर रहे हैं और आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे MKCL के अंदर ये जो अपडेट है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जो कंपनी है, अगर हम यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं तो भाई ये MKCL इसका गवर्नमेंट का ही मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट ठीक है। यहाँ पे ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है अभी पता चल गया है ये MKCL गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। वैसे अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स चाहिए। यहाँ पे इस चैनल पे हम डेली फ्रेशर्स के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो डिस्कस करते हैं और एग्जैक्टली 6 बजे आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो भाई बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे इन्होंने BBTech का क्राइटेरिया दिया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, ENTC, MCA, MSc, MCS, MS, MEMTech, अगर आपने इन्हीं ब्रांचेस के साथ किया हुआ है और अभी आप फाइनल ईयर में हो, मतलब कि 2022 में पास आउट होने वाले हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब इन्होंने एक और चीज भी बताई हुई है, एनी अदर ग्रेजुएशन विद सीडेक्स DAC कोर्स, अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो लेकिन अगर आपने सीडेक का DAC कोर्स किया हुआ है और अप्रैल 2022 में कंप्लीट किया है तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली प्रोजेक्ट ट्रेनी, सीनियर, बहुत सारी पोजीशंस है लेकिन आपके काम की जो फ्रेशर्स के काम की है वो प्रोजेक्ट ट्रेनी की है, जिसके अंदर 100 वैकेंसीज अनाउंस की गई है। वैसे आप में से जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आगे PhD वगैरह में काम करना है, परमानेंट जॉब चाहिए और यहाँ पे सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, जो PSUs के ड्रीम्स देख रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि PSUs का सिलेक्शन जो है काफ़ी एग्जाम्स के थ्रू होता है। वो खुद एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं या फिर वो गेट के थ्रू यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। तो भाई गेट 2023 जो है नेक्स्ट फरवरी में होने वाला है और उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए अगर आप ऐसे PSU में जाना चाहते हो। और आपको यहाँ पे प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेगा अनअकैडमी, और अभी जो है अनअकैडमी पे इस संडे को यहाँ पे कॉम्बैट होने जा रहा है। ये एक तरीके का गेमीफाइड कॉम्बैट है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है और इसके कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। आपको यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगी, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ऑलरेडी टॉप एजुकेटर्स ने सेट किए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, अगर आप यहाँ पे टॉप रैंक लाते हो तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और बाकी बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस रहते हैं। साथ ही साथ आपको अनअकैडमी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs की भी टेस्ट मिल जाएगी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। June 5 को यानी कि इस संडे को सुबह 11 बजे ये कॉम्बैट होने वाला है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर लेना Abdul4343, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेक कर लेना। अब कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था बहुत सिस्टमेटिक वे में इन्होंने ये पूरा अपडेट दिया हुआ है। एप्लीकेशन की प्रोसेस जो है वो इन्होंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। June 1 को ये स्टार्ट होने वाला है और June 22 को ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब आपकी आपको डेडलाइन जो है June 22 तक दे दी है। ऑफर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो है इनिशियली 12 months के लिए रहेगा और आपको यहाँ पे पहले 2 महीने में ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से दी जाएगी और ये ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं है। आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट, UI UX, जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी और इसके अंदर बाद में आपकी यहाँ पे जॉब स्टार्ट होगी जो कि 10 months तक रहेगी। अब ये जो है आगे कितनी चलती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, भाई आपका जो है परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग ये आगे यहाँ पे ऑफर रख सकते हैं। अब आपको जो यहाँ पे डिग्री है वो सबमिट करनी होगी 31st October 2022 तक MKCL को, जो कि आराम से आपकी डिग्री आ जाएगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का CTC इन्होंने बता दिया है 3.96 लाख, मतलब कि यहाँ पे 4 लाख के करीब का CTC हुआ। पर मंथ आपको 30,000 से 35,000 रुपये तक आराम से मिल जाएगा। उसके एड ऑन में आपको यहाँ पे मेडिकल एंड एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा जो कि 4 लाख और 10 लाख का रहेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को इन्होंने जैसे दिया हुआ है, मैं ऐसा सोचता हूँ हर नोटिफिकेशन ऐसा हो तो यार शायद ही मुझे कोई वीडियो बनानी पड़ेगी। देखो अगर आप यहाँ पे पूरी यहाँ पे देखते हो तो टेस्ट
इन्होंने बताई हुई है June 23rd-24th को होने वाली है। फिर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि स्टेज वन, ये फाइनल है, वो मॉक वाली जो है आपका सिस्टम चेक करने के लिए होगी। यहाँ पे स्टेज वन जो है 26 जून को होगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा 29 तक। उसके बाद यहाँ पे स्टेज टू जो है वो June 30 को होने वाला है, और उसका एक पार्ट ऑनलाइन इंटरव्यू जो है वो भी स्टेज टू का रहेगा, वो July 6 को होगा। एंड देन स्टेज टू का रिजल्ट July 12 तक आ जाएगा। एंड फाइनल हैंड्स ऑन टेस्ट विथ फेस टू फेस इंटरव्यू, मतलब कि स्टेज थ्री, वो यहाँ पे July 18 को होगा। फाइनल स्टेज थ्री का रिजल्ट मंडे यानी कि July 25 को मिल जाएगा, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग August 1। इतना सिस्टमेटिक मैंने आज तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है, फ्रेंकली मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ इससे। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पुणे ऑफिस, नवी मुंबई, नागपुर, ये ऑफिस के लोकेशन विद एड्रेस इन्होंने बता दिए, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस को अब देख लेते हैं, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंटरव्यू बेस, उसके अंदर क्या क्या रहेगा। पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है उसके अंदर 100 मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट रहेगी, जिसके मार्क्स 100 रहेंगे और क्वेश्चंस भी 100 रहेंगे। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब स्टेज वन के इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने प्रॉपरली दिए हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। रिजल्ट्स यहाँ पे 29 को आ जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेज वन के अंदर सिलेबस और उसकी पैटर्न क्या होगी वो बताइए, तो दो सेक्शन रहेंगे, पहला जनरल एप्टीट्यूड वाला, दूसरा टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा, मतलब कि 30 और 70 का स्प्लिट इन्होंने दिया हुआ है। स्टेज टू जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स टॉपिक्स जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के होंगे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, और वो आपको यहाँ पे रिजल्ट July 12 को मिलेगा, मतलब कि ये जो हो जाएगी आपकी करीब July 6 को होगी स्टेज टू, एंड उसका जो रिजल्ट है July 12 तक आ जाएगा। एंड उसके बाद July 18 को फाइनल हैंड्स ऑन टेस्ट विथ फेस टू फेस इंटरव्यू वो होने वाला है, और यहाँ पे ये पुणे ऑफिस पे कंडक्ट किया जाएगा, और उसका रिजल्ट जो है 25 को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है हर स्टेज में, पहला स्टेज तो क्वालिफाइंग नेचर होगा, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपको जिस वेबसाइट से मैं सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, जहाँ से स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा है आपको, उसी पेज पे लास्ट में अप्लाई करने का बटन है, जिस पे क्लिक करके आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब ये 2022 वालों के लिए है, तो भाई आप ज़रूर से अप्लाई कीजिए, जो पहले पास आउट हो चुके हैं आपके लिए मैंने और भी अपडेट्स बताई हुई है, जो प्रीवियस वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हो, और काफ़ी इवेंट्स, करियर गाइडेंस के काफ़ी वीडियोज़ आते रहते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2022 वालों के लिए, हम डेली फ्रेशर्स के लिए ही अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। तो भाई चैनल पे बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, इसकी भी लिंक मिल जाएगी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज ऑफिशियल अप्लाई करने की लिंक है, और मैंने जो आपको अनअकैडमी के कॉम्बेट के बारे में बताया उसकी भी लिंक अवेलेबल है, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।